प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे समाज के प्रमुख संगठनकर्ता श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष सम्मान्य राम सिंह जी चंद्राई साहब, इस अजमेर जिले के अंदर हमारे समाज के प्रमुख भामाशाह प्रमुख नेता भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब, महाराणा प्रताप के जीवन व्रत को आपके सामने रख, कुछ अनछुई घटनाओं को आपके सामने ऐतिहासिक पहलुओं के साथ रखा। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सरोज सिंह जी बगड़ी साहब, इस पूरी संस्था के संस्थापक के रूप में, संरक्षक के रूप में काम करने वाले पूर्व प्रधान आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजे होनार सिंह जी हमारे प्रधान साहब, शैलेंद्र सिंह जी, मसूदा के प्रधान सुरेंद्र सिंह जी, सम्मान्य नरपत सिंह जी, इस नगर के प्रथम नागरिक नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश जी, क्षत्रिय समाज के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह जी, जयपुर से पधारे राजपूत सभा के महामंत्री बलवीर जी, उपस्थित शक्ति स्वरूप माताओं बहनों, आदरणीय भंवर सिंह जी रेठा साहब और इस सभा में उपस्थित सामाजिक बंधुओं, सम्राट नागरिक वृंद, आज हम सब लोग एक इतिहास को नमन करने आए हैं। 482वीं जयंती है महाराणा प्रताप की और इतिहास को नमन करने के लिए मैं सबसे पहले यहां के क्षत्रिय समाज को, क्षत्रिय समाज के संगठनकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस प्रकार का कार्यक्रम किया, और मैं उन सब भामाशाहों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप की शानदार प्रतिमा का आपने संस्थापन करने के लिए, अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन में से धन देकर हमारे उस इतिहास को, जिसको आज विश्व बड़े रोमांच से सुनता और पढ़ता है, जो एक हमारे समाज के लिए नहीं, राणा प्रताप अगर प्रेरणा स्रोत है तो इस दुनिया के अंदर उन सब लोगों के लिए है जो धरा के मान और सम्मान के लिए धरती को मां मानते हुए, जो प्रतंत्रता को कलंक मानते हुए, स्वाधीनता को स्वर्ग मानते हुए जो अपने जीवन को जीना चाहते हैं, ऐसे हमारे ऐतिहासिक योद्धा के इस स्मारक का आपने निर्माण कराने में जिन्होंने सहयोग दिया, निश्चित तौर पर साधु बात के पात्र हैं। मैं महाराणा प्रताप के इतिहास की विवेचना इसलिए ज्यादा नहीं करूंगा कि मुझसे पहले श्रवण सिंह जी बगड़ी ने उन सारी बातों को आपके सामने रखा, पर महाराणा प्रताप महलों में रहने वाले एक महाराणा थे और उनके समकालीन कितने राजा महाराजा थे। राजस्थान के इतिहास के अंदर कई दर्जन अलग अलग रियासतों के महाराजा रहे, राजा रहे, महाराणा रहे, पर जब जयंती मनाने की बात आती है तो हमारे ऐतिहासिक पुरुषों में उनकी आती है, चाहे वीर दुर्गादास की बात कहें, अमर सिंह राठौड़ की बात कहें, जयमल भत्ता की बात कहें,
कूपा जी की बात कहें, अनेकों हमारे इतिहास के पुरुष हैं जिनकी जयंती हम इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं के साथ अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने मान के लिए, अपने आन के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो कुर्बानियां दी, वो आज काल के कपाल पर लिखी भी हमें दिखाई देती है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें इस बात को भी सिखाता है, समय, काल और परिस्थितियां और उनके बीच में दृढ़ता से तकचित्र होकर अगर हम अधिक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। राणा प्रताप डूंगर डूंगर, पर्वत पर्वत भटकते रहे, एक राजनिवास को छोड़कर जब मुगलिया सल्तनत ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके 30,000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार कर डाला था, उदय सिंह जी को वहां से पलायन करना पड़ा। उस समय की परिस्थितियां और राणा प्रताप, जब मुगलिया सल्तनत ने उन्हें कहा कि आप दास्ता को स्वीकार कर लो, इतिहास में अनेक तुकों का जिक्र है। राणा प्रताप ने कहा प्रतंत्र शेर नहीं रहते, ये धरती मां का सम्मान। उनके मन में एक ही बात थी, अभी मुझसे पहले श्रवण सिंह जी ने जो बात कही, हमने राजतंत्र में राजा को रानी के पेट से पैदा होकर शासन सत्ता तक तख्त पर बैठने की बातें हमने इतिहास में देखी। राणा प्रताप भी जब महाराणा के पद पर राजभेष हो रहा था तब वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने, जब उन्होंने कहा कि मैं किले से बाहर जाकर सदा सेना सैनिक के रूप में धरा की लड़ाई को लड़ता रहूंगा, तो उस समय के जागीरदार, उस समय के सरदारों ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप पुराने वैभव को लौटाने के लिए आज की परिस्थितियों में हमारा नेतृत्व करें। ये बात हमें यह सबक देती है। आज हम इतिहास की बात करें तो इतिहास से कुछ सीखने का मौका भी तो आज का है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सरलता से, सुगमता से, बिना चुनौती के अपने जीवन को जीता है। हर मुकाम पर आज के युग में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की बात हम करते हैं, इस प्रतिस्पर्धा के जमाने में जो श्रेष्ठता साबित करेगा वो जिंदा रहेगा, स्थान पाएगा। राणा प्रताप ने उस समय अगर दास्ता स्वीकार कर ली होती तो आज ऐतिहासिक रूप पर पुरुष नहीं होते। हमें भी अपने जीवन के अंदर जब कभी भी कठिनाई का समय आए, जब कभी भी चुनौती का समय आए, तो इस बात को याद करना चाहिए कि महाराणा प्रताप भी एक मानव की देह में आए थे। उन्होंने कीर्ति पुरुष बनने के लिए चुनौतियों को स्वीकार किया, मौत का आलिंगन मंजूर किया, पर लक्ष्य को निर्धारित किया कि मैं मेवाड़ का पुराना वैभव लौटाऊंगा। हमें भी आज के युग में जब चुनौतियां आती हैं तो चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। समय बदला, समय की धार बदली, समय की रफ्तार बदली, राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया। राणा प्रताप ने युद्ध किए, हल्दी घाटी का युद्ध किया और हल्दी घाटी के युद्ध के साथ साथ उनके दूसरे युद्ध भी रहे, और मैं समझता हूं
प्रताप को उस समय शासन के लिए भीलों को एकत्रित करना पड़ा। आपने भगवान राम की उस रामायण की कहानी से हम सब लोग आत्मसात हैं। भगवान राम वनवास में चले गए, रावण ने सीता का हरण कर लिया और रावण उस समय कहते थे मुझसे बलशाली कौन नहीं, मेरी लंका सोने की लंका है, मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं, दशानन हूं मैं। भगवान राम ने उस समय वनवासियों को संकेत किया। रामायण की कथा में नल नील से लेकर हनुमान जी से लेकर सुग्रीव से लेकर वो कथा ये कहती है कि जो अपने साथ लोगों को संतन करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। रामायण में भगवान राम ने दशानन का अर्थ किया तो राजतंत्र के अंदर महाराणा प्रताप ने वीरों के साथ आगे बढ़ते हुए मुगलिया सल्तनत को ललकारा। इतिहास में कहते हैं थर्मोपिली का युद्ध हुआ था या हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। हल्दीघाटी की विवेचना भी श्रवण जी ने की और इतिहास ये भी लिखता है कि एक तरफ 80,000 लोग थे, एक तरफ 20,000 से भी कम। और वो नेतृत्व जो उनका करने वाले थे उनकी क्षमता और सारे लोगों का इतना विश्वास था कि वो उन्होंने छक्के छुड़ा दिए दुश्मन की। आज शासन लेने के लिए हमें तलवार भाला उठाने की जरूरत नहीं। अभी आकांक्षा भाईसा ने बहुत अच्छी कविता लिखी थी, कविता ने हमारे पुराने इतिहास के साथ साथ हम अब क्या इतिहास रच रहे हैं, इस बच्ची ने कैसा कटाक्ष डाला दहेज टीका से लेकर महिला शिक्षा तक। निश्चित तौर पर अब कलम का जमाना आ गया, अब सर कटाने का जमाना नहीं, सर गिनाने का जमाना आ गया। और सर गिनाने के लिए सहकार के भाव को पैदा करने की आवश्यकता है। जितने भी लोग हम बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कोई ना कोई कमी नहीं हो और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कोई ना कोई खूबी नहीं हो। ये कमियों का जिक्र करें, हम समाज की जाजम को बिछाएं पर धीरे से उंगली उठाकर कोई ऐसी बात करें। मैं समझता हूं कि ईर्ष्या का भाव जो हमारे स्वभाव में आ गया, हमारे स्वभाव में सर्वश्रेष्ठता खुद में अपने आप में है, इसको जब तक बदलेंगे नहीं। एक इतिहास आज भी तो लिखा जा रहा है, अभी मेरे बारे में कहा कर 7 बार लगातार जीत गए तो ये इतिहास भी तो कल पढ़ा जाएगा। इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में हम आई बार जब इस प्रजातंत्र में उस तंत्र पर अधिकार करने का मौका आता है तो हमारी भूमिका कितनी बार बदलती है, कितने अलग अलग रंगों में बदलती है। ये पहले आकाश में शतरंग का इंद्रधनुष बना करता था, कितना सुंदर बनता था। उस इंद्रधनुष में अगर एक ही रंग हो, हम शादी ब्याह के अंदर पहले बैंड बाजा लेकर जाया करते थे, उस बैंड बाजे में अलग अलग यंत्र बजा करते थे, कोई गिरनार बजाता था, कोई ढोल बजाता था, कोई दूसरे यंत्र बजाता था। अगर उसमें एक ही यंत्र हो बाकी सब बंद कर दो तो थोड़ी देर बाद आदमी कहता बंद करो भाई, अब कान फटने लग गए। गौर सिंह जी पुराना को बताओ, हमारे यहां एक पंचमेले की सब्जी बनती है, 5 चीजें एक साथ डाल देते हैं उसमें और बड़ी अच्छी सब्जी बनती है।
आज जमाना भाई बदली परिस्थिति के अंदर पंचमेले की सब्जी और समल बाजा की तरह सबको साथ लेकर चलने का है। राणा प्रताप का जीवन दर्शन हमें यही तो सिखाता है। जब उन्होंने भीलों को कहा आओ, उनको मालूम था कि इन दर्रों के अंदर, इन पर्वतों के अंदर जो जी सकता है उस कठिनाई के अंदर उसमें आप कल्पना कर सकते हो कि आज की तरह ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी थी। उस समय राणा की निगाह यही गई कि समर्थवान कौन है जो इस युद्ध में, छापामार युद्ध में मेरा साथ दे सकता है। तो भीलों की तरफ बड़े भीलों के पुंजा भील के साथ, और आप देखो कैसा समावेशी दृष्टिकोण था। हाकिम का सूरी उनका सेनापति, भामाशाह जैन जाति का उनका प्रधानमंत्री। आज राणा के इतिहास में भामाशाह के इतिहास को अलग नहीं कर सकते। जिस समय जंगल में राणा थे, भामाशाह ने अपने पूरे परिवार की संपत्ति ले जाकर राणा के पैरों में रखकर कहा था, राणा आपका वैभव चला गया पर मेरा वैभव, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी संपदा ले लो, पर ये धरती के मान और सम्मान की लड़ाई को कुंद मत पड़ दे। पन्नाधार का जिक्र हम करते हैं, अगर उस समय अपने पुत्र की बलबेटी पर चढ़ते हुए उस हत्यारे बलवान के सामने उदय सिंह जी को रखते थे, कोई पन्नाधाय को याद नहीं करता। यह इतिहास हमें दिखाता है कि हमें मौके पर, अब युद्ध भाई वो नहीं लड़े जाएंगे, अब तो इस लोकतंत्र का युद्ध मत की पेटी से लड़ा जाएगा। होनहार सिंह जी बैठे हैं प्रधान, इसलिए है कि इन्होंने इनको बनाने में आप लोगों ने सहयोग किया। ये भूपेंद्र सिंह जी बैठे, इनको भी आपने प्रधान बना दिया। और आज के युग में अकेली एक जाति नहीं, मैं जहां से विधायक बनता हूं 18,000 राजपूत है, 13,000-14,000 वोट डालते हैं, 2-3,000 इसकी ठेकेदारी थोड़ी है राजेंद्र राठौड़ की, हम योग्य नहीं है, ये क्या क्या अलग डाल देते हैं। मेरे को जीतने के लिए 95,000 से लेकर 1,00,000 तक का वोट चाहिए, बताओ कैसे करूंगा। अगर मैं कह दूं जय माता जी साहब, तो मेरे उस इतिहास को मेरे शानदार है, राणा प्रताप का इतिहास है, दुर्गादास जी का इतिहास है, जयमल भत्ता का इतिहास है, राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पर ये सारे इतिहास हमारे, हमारा खुद का इतिहास है। मैं उस इतिहास की संतान हूं, ये कहकर मैं गौरव तो कर सकता हूं, पर आज के लोकतंत्र में मैं आज लिखे जाने वाले इतिहास में अपना नाम याद नहीं करा सकता। इसलिए मेरा तो इस मौके पर आपसे इतना ही निवेदन है कि हम सब लोगों को हमारे कई लोक देवताओं ने संदेश दिए, रामदेव जी कौन थे, भगवान महावीर कौन थे, भगवान बुद्ध कौन थे, भगवान राम कौन थे, तो वो रिकॉर्डिंग करने लग गया था, क्षत्रिय वंश से वो सारे लोग थे, उन दोनों का जीवन भी क्या था, सबरी के बेर खाकर भगवान ने क्या संदेश दिया था। हमें आज के युग के अनुसार युगानुकूल नहीं होंगे तो राणा प्रताप की जयंती जरूर मनाएंगे, इकट्ठे जरूर होंगे। और फिर अभी जो प्रगति प्रतिवेदन पढ़ा गया 1926 से जो जगह आपके पास है, उसकी इस प्रगति के बारे में दो बातें कही जाएगी, तालियां बजेगी, साफा बंदा इधर बंधेगा, इससे काम चलेगा नहीं। सहकार का भाव पैदा करना पड़ेगा, प्रतिभाओं का आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, सम्मानित किया, ये श्रृंखला आगे बढ़नी चाहिए। प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर अपने आप को उस रूप में हमें डालना पड़ेगा, राणा प्रताप ने डाला था, इसलिए ऐतिहासिक पुरुष है, इस बात पर हमें निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आज एक कार्यक्रम और है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस इलाके के अंदर, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूं मैं, आप लोगों के प्रभाव से अनभिज्ञ नहीं हूं, परंतु कभी रस्सी का खेल खेलते हैं तो दोनों तरफ अगर दस दस खड़े हो जाओगे तो भाई खड़े खड़े वही कदम ताल करते रहना, रस्सी तीसरा खेल हो जाएगा। और ये यहाँ की
मेरा इशारा समझ गए होंगे आप, वो कह रहा है। और युद्ध का मैदान उस समय भी राणा ने कितने महीनों कितने समय तक इंतजार किया था हल्दी घाटी के उस दर्रे के अंदर, मुगलिया सेना का आगे मान सिंह के नेतृत्व में बढ़ रही थी। राणा प्रताप को उनके उनके साथ सहयोगी कह रहे थे कि दुश्मन बढ़ रहा, हमें ललकार रहा है, हमें टूट पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, दुश्मन को जब तक हमारी जद में नहीं आ जाएगा, कंदराओं के पास नहीं आ जाएगा, घुमाएदार पहाड़ी हमारे आसपास नहीं रहेगी, तब तक नहीं। तो राणा प्रताप की 20,000 फौज ने हल्दी घाटी में एक कीर्तिमान स्थापित कर डाला। आज उस समय आ रहा है, मैं कोई राजनीति का जिक्र करके इस प्लेट सामाजिक प्लेटफॉर्म पर कोई बात नहीं कहना चाहता, पर समय आ रहा है। राणा प्रताप ने भी व्यूह रचना की थी और अब ये योजना लोकतंत्र में 5 साल के लिए होती है। 18 दिन पहले जागने से कुछ नहीं होगा, 18 दिन चुनाव के जिस दिन रहते हैं उस दिन हम कहेंगे हमसे सर्वश्रेष्ठ बहुत है। ये सर्वश्रेष्ठता साबित करने के लिए अब जो 18 महीने बचे हैं इनके अंदर आपकी उपाध्यायता, आपकी उपयोगिता, आपकी क्षमता, आपका संगठन, आपका एकाकार, ये सारी बातें हमें कहते हैं कि राणा प्रताप के इस जयंती के अवसर पर फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा, इस केकड़ी का इतिहास लिखा जाएगा। जब कहा जाएगा कि राणा प्रताप के प्रसन्नों में आज भी वो खून है, वो तोड़ती भी रखे, इनको कह रही है कि आप सरदार हो, सबका नेतृत्व करने की क्षमता आप में है, आप अपनी क्षमता को पहचानो, आज के दिन संकल्प धोकर जाए। और अब हम कमियां हमारे सब में है, किसी में कमियां कोई ऐसा नहीं है, हमें भी कमियां है, आप में भी कमियां है। और मैं अंत में जनाना सरदारों आपका अभिवादन करना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा। बदलते समय में अब आपको भी चौकट छोड़नी चाहिए, हमारी बच्ची भी हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अब तो सेना के अंदर हमारी बच्चियों की अलग से रेजिमेंट बन गई, हर क्षेत्र में बच्चियां आगे आए, हर क्षेत्र में नौजवान आगे आए। बढ़ते हुए कदम को हम ये कहें कि आपके कदम सदैव कदम है, हम ये नहीं कहें आपके आप मंजिल की तरफ जा रहे हो कदम लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ा सकते हैं, हमें यही कहना है तेरे सदैव कदमों में मंजिल तेरा इंतजार कर रही है, आओ उस मंजिल पर पहुंचने के लिए संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद।